साथियों, कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के एक व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए। वो आज संविधान कंधे माथे पर रख के नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सपा है जिसने हमेशा दलितों के आरक्षण का विरोध किया। अब ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसलिए आपको सपा कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है।